मित्रों की बहुत ही बड़ी विडंबना है। जो एक भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो अध्यापकों की ही देन होती है। आज वही अध्यापक अध्यापिकाएं इस रोड पे दिल्ली के अंदर अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आई हैं? मांग मेरा है कि मुझे सम्मान चाहिए। क्या सम्मान चाहती हैं आप? जी, मुझे पूरा वेतन, समान काम, समान वेतन चाहिए। हम लोग पहले उसी मेरिट पे, मेरी योग्यता हम लोग की निकाली गई थी, उसी से हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय से चयन हुआ था हम लोगों का। जी, हम लोग उस समय 3500 मानदेय पे उसी बालकों को उसी विद्यालय में सम्मान का पढ़ाए थे। कि फिर अगले सरकार ने हम लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इसके बाद जब हम लोग 3500 पा रहे थे तो वो सम्मानित थे, और जब 40,000 पाने लगे अयोग्य घोषित हो गए। हम लोग को बस समाज में जीने का एक जरिया चाहिए। हम जिस समाज में जा रहे हैं, हम लोग को सबके निकाह देखा जा रहा है कि हम अयोग्य हैं। हम लोग को बस उस समाज में चलने के लिए, फिरने के लिए, स्कूल जाने के सम्मान चाहिए बस। समान काम, समान वेतन की मांग कर रही हैं, तो आप एक अध्यापक है, तो आपकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आई हैं? समान काम, समान वेतन चाहिए और सहायक अध्यापक की मांग।